हमारे कबाब लग रहे हैं। हाँ ये हो गया ना। काम आप ही कर रहे हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मे अल्लाह पाक सेव अस ऑल फ्रॉम बैड डीड्स एंड इविल आईज, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट, एंड हियर आई एम वंस अगेन विद यू ऑल विद अ वेरी हैपनिंग एंड एक्साइटिंग व्लॉग। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दुबई का मौसम कितना कोई खूबसूरत है, और क्लाउडी हुआ हुआ है और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और ये बारिश जो है वो मुसलसल सुबह 5 बजे से कंटिन्यूस हो रही है, तो ऐसे में घर में बैठना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो हम निकल आए हैं अपनी मज़ेदार सी एक्टिविटी के लिए। मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे इन लॉज जो हैं वो वापस जा चुके हैं, और आई विश अगर वो होते तो वो भी दुबई के इस मज़ेदार से मौसम को इन्जॉय करते। तो हमारा घर जो है वो बिल्कुल ही उदास हो गया था, और ज़ाहिर है इतने दिनों से काफ़ी रौनक लगी हुई थी और हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बट नाउ इट्स बैक टू रूटीन। तो जी, रमज़ान आने वाला है, और आई होप कि आप सबकी रमज़ान की तैयारियां अभी चल रही होंगी और आप सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ होंगे। मैंने भी रमज़ान की प्रिपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं, और काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। तो उससे पहले मेरा और मेरी एक फ्रेंड का यहाँ पे प्लान बन गया बारबेक्यू करने का, और हमें पता नहीं था बिल्कुल भी कि बारबेक्यू के टाइम पर हमें इतना कोई खूबसूरत मौसम मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग पार्क में जाएंगे और वहाँ जाके हम लोग लाइव बारबेक्यू करेंगे। तो अब देखते हैं, इस बारिश ने जो है वो हमारी उस पिकनिक का मज़ा जो है वो डबल कर देना है। तो चलें चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं और साथ साथ इन्जॉय करते हैं। तो ये क्लिप है मेरा 2 दिन पहले का, जहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे बारबेक्यू पिकनिक के लिए जो है वो कुछ सामान खरीदना था। तो मेरे हिस्से में आया था, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वन डिश करेंगे वहाँ जाके, तो मेरे हिस्से में आई थी बीफ बोटियाँ और साथ एक स्वीट डिश। मेरी एक फ्रेंड बनाकर ला रही थी मलाई बोटी और स्ट्रॉबेरी केक, और दूसरी फ्रेंड बना के ला रही थी सीख कबाब। तो बस मैं यहाँ पर आई हूँ उसी की शॉपिंग करने के लिए, और उसके बाद मैं घर जाके इन बोटियों को जो है वो मैरिनेट कर दूंगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे। तो जी, फाइनली हमारा पिकनिक डे आ गया है, और ये पिकनिक हमारी लास्ट वीकेंड पे थी जब दुबई का मौसम बहुत प्यारा था और बहुत ही मज़ेदार बारिशें चल रही थीं। और हाँ, हमारी ये वाली जो पिकनिक है ये दुबई में नहीं है, बल्कि ये पिकनिक हमारी अबू धाबी में है। तो हम दुबई से अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स की ड्राइव करके अबू धाबी जा रहे हैं, और जिस पार्क में हम जाएंगे वो अबू धाबी के यास आइलैंड का नॉर्थ पार्क है। तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, और चलें चलते हैं दुबई से अबू धाबी, और वहाँ जाके मौसम भी इंजॉय करते हैं और साथ साथ बारबेक्यू भी इंजॉय करते हैं। ये हम पहुँच गए हैं E11, जो लास्ट एग्जिट है दुबई की। यहाँ से अब हम लोगों ने निकलना है अबू धाबी के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, और बस फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। अगर चाय वगैरह पीने का प्लान बना तो चाय पियेंगे, अदरवाइज बस फिर अबू धाबी के लिए निकलेंगे। काफी अच्छा बड़ा बनाया है वो यासिफ भाई। तो यहाँ पर जी, हम अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने मिल लिया था, मगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो रहे थे और आगे अभी 45 मिनट्स का रास्ता जो है वो बाकी था। तो बस फिर हम लोग अबू धाबी के लिए निकल गए। तो जी, यहाँ पर हम पार्क पहुँच गए थे, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पार्क बना हुआ था। ये ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। यहाँ पर हम लोग 3 फैमिलीज़ थी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, और 2:30 का टाइम था। मौसम बहुत ही मज़ेदार था और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी। हम लोगों ने अपना सामान सेट किया और फिर बारबेक्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी। अगर भूख गए तो फिर ले ले। अगर भूख
यहाँ पर बारबेक्यू करने के लिए अलग एरियाज अलॉटेड थे और हमारे जो तीन जेंट्स थे उनका काम था कि वो आज बारबेक्यू प्रिपेयर करेंगे और हम लेडीज़ जो हैं वो सीखों पर उन्हें कबाब और बोटियां लगाकर दे रही थी। मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो बेकिंग में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और उनमें से एक फ्रेंड जो है वो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी केक बनाकर लेके आई हुई थी, तो जिसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार था और उसकी शक्ल, उस केक की शक्ल मैं आपको अभी आने वाली क्लिप्स में दिखाऊँगी। लोगों को भी शर्म आ गई, उनको व्हाट्सएप पे मुबारकबाद के ना, उनके सामने वाले लोगों को मुबारकबाद दी है, भाई आप जीत गए हैं, मुबारक हो आपको। कई लोगों के पास तो मुबारकबाद के भी है और उसके बाद वो सुबह वो हार गए। हाँ सुबह ऐसा भी है भाई, 80,000 अगर 60,000 की लीड है रात को और सुबह जो है इतनी लीड कवर हो गई, मतलब कुछ सेंस। ये हमारे कबाब लग रहे हैं, किस चीज़ के कबाब हैं ये? बीफ के? जी रेशमी कबाब, वो तो चिकन के होता है जी, वैसे ये बिल्कुल शक्ल इनकी रेशमी वाली ही है। सैलेड तैयार है, सिर्फ पत्ते डालने हैं। ये हवा चल रही है ना, तो उससे एडवांटेज ये है कि वो खुद ही अभी पकाते हुए भी बना देना। ये हमारा बीफ है भाई, इतना इज्जत, कितनी इज्जत बीफ को, वाह। मेल्ट करने के लिए रखा हुआ, थोड़ा सा सख्त है, और यहाँ पे हमारा बारबेक्यू बनना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने बीफ बोटी लगाई क्योंकि ज़ाहिर है बीफ गलने में थोड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद फिर कबाब की बारी थी और कबाब कोई इतने मज़े के बने हुए थे कि मुंह में जाके मेल्ट हो रहे थे, बिल्कुल सॉफ्ट। अब मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही करेंगे। तो जी अब नेक्स्ट टर्न थी चिकन मलाई बोटी की। मलाई बोटी भी बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी और ये सारा मेन्यू मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था। तो इस पार्क में जो है वो बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी और देखते ही देखते रश बढ़ रहा था, सब लोग अपना सामान लेके आए हुए थे और यूएई के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था और यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज आई हुई थी उन सब लोगों ने बारबेक्यू करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मगरिब आजकल जो है वो जल्दी हो जाती है, तो इरादा यही था हमारा भी कि हम 6:30 या 7 तक फ्री हो जाएँ क्योंकि फिर वापसी का सफ़र भी काफ़ी लंबा था और हम लोगों ने वापस दुबई जाना था। तो यहाँ पे देखें मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स ने जो है वो मज़ेदार सा बारबेक्यू तैयार कर लिया है, हाफ वे काम हो चुका है और बस अब चिकन की बोटियाँ बाकी रह गई हैं, हमारी बीफ बोटी और कबाब ऑलमोस्ट बन चुके थे। हाँ बीच वाली मेरा ख्याल से हो गई है, ट्राई कर सकते हैं इसको, वो कर दो। हाँ नहीं सेक बहुत जबरदस्त आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। तो रखते भी तो एक दिन पहले से रखते हैं ना, अगर आप तीन दिन हो गए इसको, मेरे ख्याल से काम हो चुका है, बेस्ती के काम चांसेस कम है। अब ये है कि इसको थोड़ा सा निकाल के एक बॉटम लाइन पलट करेंगे, बॉटम लाइन यही है, गलती है नहीं भाई, सबने हाथ लगाया मैं तो हेल्पर हूँ नहीं गले का वो है कि कितना इन्होंने मसाला ऐसा लगाया कि वो गले, हमने तो सिर्फ उसको नहीं अच्छी, ये भी चीजें काम आएंगी, काम आएंगी आगे, फिलर होंगी ना कैसे निकालेंगे, चिमटे से निकालेंगे? निकालना तो चिमटे से ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, ऊपर से पकड़े निकालने से। आ जाए मैंने पकड़ा बात, सही है सही है,
आराम से कर रहा मैं ध्यान से। अब आप एक एक चेक करें। नॉट बैड, हल्की सी कसर है। क्या कहते हैं हो गया निकालें, फिर ये निकालें। यूए की सबने की है ऊपर सही है भाई, आप लोग तो प्रोफेशनल्स हो गए हैं। जी जी बिल्कुल, हम अभी आज हुए आज हुए आज। अच्छा मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर चाय भी रख दी जाए जब ये बन जाए आप लोगों का, क्योंकि कोयलों की चाय टाइम लेती है ना, तो स्लो स्लो बनती रहेगी जब तक हम खाते रहेंगे, है ना। चलो ठीक है। तो पार्क में बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थीं क्योंकि पिछले दो दिनों से जो बारिशें हो रही थीं उसकी वजह से मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था। तो सो पीपल हु हैव विजिटेड दिस प्लेस मस्ट बी फीलिंग दैट दे हैव फाउंड अ हिडन ट्रेजर। ये पार्क जो है ये लोकेटेड है शेख खलीफा हाईवे की नॉर्थ साइड पे। इस पार्क में दो कवर्ड प्लेग्राउंड्स हैं, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। यहाँ अलग से बारबेक्यू पिट्स बनाई गई हैं ताकि लोग अपना बारबेक्यू का सामान लाकर एंजॉय कर सकें, और वॉशरूम्स भी बहुत ज़्यादा करीब ही लोकेटेड थे। लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हुई थी और इतना रश होने के बावजूद भी वॉशरूम्स जो हैं वो बहुत ही क्लीन थे। यहाँ पे क्लीनलीनेस का बहुत ही ख़ास ख्याल रखा जाता है। एंड प्लस देर आर टू बिग ओपन फील्ड्स वेयर पीपल कैन एन्जॉय सॉकर, काइट फ्लाइंग एंड ऑल्सो दे कैन वॉक। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही करीब है तो आपको प्लेन का शोर जो है वो हर वक्त सुनाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ के जो साइकिलिंग ट्रैक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको मेंटेन किया गया है ताकि विजिटर्स को हर तरह की फैसिलिटी मिल सके और वो फुल टाइम एंजॉयमेंट कर सकें। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस एंड वन मस्ट विजिट हियर इफ़ यू आर इन यूएई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के खाना हमारा रेडी हो गया था, सारी चीज़ें हमारी बन गई थी, हमारी चिकन बोटी भी बन गई थी, कबाब भी बन गए थे, बीफ बोटी भी रेडी थी हमारी। साथ ही मेरी एक फ्रेंड जो है वो आलू की बहुत मज़ेदार सी भुजिया बना के लाई हुई थी और दूसरी फ्रेंड ने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनाई थी पुदीने की। और इन सारी चीज़ों का, सारी वैरायटी का जो टेस्ट था वो डिफरेंट था और खाकर हमें मज़ा आ गया। तो बस अब हम अपना डिनर तो नहीं कहूँगी, लंच भी नहीं कह सकती क्योंकि इस वक्त शाम के तकरीबन 5:30-6:30 बज रहे थे। तो बस लंच और डिनर के जो बीच का टाइम होता है वही चीज़ हमने इन्जॉय की, मगर खाना जो है वो बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा तो पहले हम ये बिस्किट लेंगे, उस पे चॉकलेट रखेंगे और फिर मार्शमेलो को स्टिक पे डालेंगे और फिर उसके ऊपर डालेंगे और फिर उसे बिस्किट के बीच में डालेंगे। सब लोग एक एक डंडी ले और उस पे मार्शमेलोज डाल। हाँ वो बिस्किट पे चॉकलेट लगा दो तीन पे। ये चाय है, बोटियाँ क्यों पड़ी हुई हैं? टी बैग्स हैं बोटियाँ। हमने तुम भी जाके खाओगे रबे सर, इसकी हेल्प करो हम डांस। यहाँ रखेगा यू डोंट हैव टू टेक इट, यू डोंट स्टिक नीचे से गिर रहा उधर से। खाओ ना, मुंह में डालो उस तरफ से, दूसरी तरफ से, उसी तरफ से जहाँ से गिर रहा है ना वहाँ से मुंह डालो, बस गर्म ना हो ज्यादा। अभी इसको ना भाजी 15-20 मिनट और करते हैं। सही है। ओफ क्या खुशबू आ रही है।
इसने ना जैसे हम पत्ती में अंदर इलायची डालते हैं ना, चीनी के साथ इलायची डाली मिक्स कर दिया। अच्छा, मैं ग्राइंड करके उसमें डाल दूंगी। मगर चीनी हमने इसमें कम रखी है, और डालनी होगी तो ऊपर से डाल देना। सही है। ओहो, ये चीज आ गया, जबरदस्त। ये चाहिए, बहुत परफेक्ट कलर है सब फनाजिया। पतली तो नहीं है? नहीं। दूध अगर? नहीं नहीं, दूध जिसको अगर एक्स्ट्रा डालना हो ऊपर से डाल। हैप्पी बर्थडे डियर हमना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बच्चे गए हमारे, तुम लोग को तालियां बजानी। तो इस टाइम पे यहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ की बहुत ही क्लियर आवाज़ आती है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत करीब है यहाँ से, और मगरिब हो चुकी थी और हम लोगों ने बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग खा पी के फ्री हुए थे। तो बस सबने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने वाइंड अप करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा ये हमारा, बहुत ही इन्जॉयमेंट वाला, और बच्चों के साथ साथ हम बड़ों ने भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत बातें की। जैसा कि आप लोगों ने पूरे व्लॉग में देखा होगा कि जेंट्स अलग इन्जॉय कर रहे थे और हम लेडीज़ अलग इन्जॉय कर रही थी, और साथ साथ हमारे बच्चे भी बहुत मज़े कर रहे थे। तो बस ऐसा वक्त जो है वो अपनों के साथ बहुत ही मेमोरेबल रहता है जब आप इस तरह का टाइम गुजारें। तो अब रात हो गई थी और हम लोगों को दुबई के लिए निकलना था, और दुबई की वापसी का सफ़र जो है वो हमारा अगेन फिर वो 1.5 घंटे का है। तो बस हम लोग टाइम पर निकल गए थे, फ्री हो गए थे, और अब हम अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिली होगी। यहाँ पे इस पार्क का जो विज़िट था वो बहुत ही वर्थ था, और मैं रेकमेंड करूँगी कि जो लोग यहाँ पर हैं दुबई में या अबू धाबी में, तो वो प्लीज़ ज़रूर इस पार्क को विज़िट करें, और अपने व्यूज़ का मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।